हाय गाइस, वेलकम बैक। और आज की इस वीडियो में मैं आपको रिव्यू देने वाला हूँ दिव्य लवंग आदि वटी का। दिव्य लवंग आदि वटी मेरे टेस्टिंग में एक मैजिकल औषधि के रूप में सामने आई है, तो मुझे लगा कि मैं इसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन ज़रूर दूँ। तो लवंग आदि वटी को मैं इतना पसंद क्यों करता हूँ, क्या क्या इसके यूजेज़ हैं, किन किन को ये लेनी चाहिए, किन किन को नहीं लेनी चाहिए, क्या इसका बेनिफिट आपको हो सकता है, क्या इसका प्राइस है, इन सभी के बारे में आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ, ताकि सभी को इन्फॉर्मेशन मिल सके। फ्रेंड्स, लवंग आदि वटी जैसा कि इसके नाम से ही जाहिर है, इसको लौंग से बनाया गया है। लौंग के अलावा भी इसमें काफ़ी जड़ी बूटियां डाली गई हैं, लेकिन मेन इंग्रेडिएंट जो इसका है वो है लौंग। अब ये काम क्या आती है, मेरी टेस्टिंग में, मेरे एक्सपीरियंस में मैं आपको बताता हूँ कि ये कहाँ कहाँ काम करती है। अगर आपको गले से संबंधित कोई भी प्रॉब्लम है, फॉर एग्जाम्पल आपको खांसी है, आपको जुकाम है, जुकाम की वजह से गले में आपके ज़्यादा बलगम रहता है, आपको गले में खराश रहती है, आपके गले में थोड़ी थोड़ी देर में खुजली चलती रहती है, आपको बोलने में परेशानी होती है, जब भी आप बोलते हैं तो इस तरह से आपको करना पड़ता है, कुछ ना कुछ अटकता रहता है आपके गले में, तो ऐसी कंडीशन के लिए ये एक रामबाण औषधि है, ऐसा मैं आपको कहूँगा। मैंने गले से संबंधित काफ़ी सारी मेडिसिन ट्राई की हैं पास्ट में भी, जिसमें कि विक्स भी खाते हैं कई बार हम लोग, स्ट्रेप्सिल्स वगैरह खाते हैं, गले वाली काफ़ी चीज़ें आती है, और लवंग आदि वटी ही मैं और ब्रांड्स की भी यूज़ कर चुका हूँ। मैं ब्रांड्स का नाम नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन मैंने दो तीन ब्रांड की और भी यूज़ की है, लेकिन पतंजलि की जो लवंग आदि वटी है इस जैसा कुछ नहीं है। मैं आपको लिटरली ये बात बोल रहा हूँ कि इस जैसा कुछ नहीं है, ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है इसके साथ, ये कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है पतंजलि की। पतंजलि के काफ़ी प्रोडक्ट्स को मैं गलत भी बताता हूँ, जो गलत है वो गलत है, लेकिन ये प्रोडक्ट बहुत ही अच्छा है जो कि मेरी टेस्टिंग में देखने में आया है। इसको मैंने काफ़ी सारे लोगों को भी रिकमेंड किया है, अपने काफ़ी सारे क्लाइंट्स को, जिसको गले से संबंधित प्रॉब्लम थी उनको भी, काफ़ियों को ये मैंने दिया है, तो सबको ही इसके जो रिजल्ट्स हैं वो बहुत अच्छे मिले हैं। अब कौन कौन इसका यूज़ कर सकता है, ऐसा कोई भी जिसके गले में खराश रहती है, जिसके गले में खुजली चलती रहती है, गले में हर समय कुछ अटकता हुआ महसूस होता है, और जिसको ज़्यादा बोलने का काम होता है, जो पब्लिक स्पीकर्स होते हैं, जो मोटिवेशनल स्पीकर्स होते हैं, जो टीचर्स होते हैं जिनको काफ़ी सारे लेक्चर्स लगातार लेने होते हैं, जो सिंगर्स होते हैं, या ऐसे कोई भी जिनका बोलने का काम ज़्यादा है, या फिर ऐसे कोई भी जिनका गला जल्दी जल्दी ख़राब होता रहता है, जिनके गले में खराश रहती है, ऐसे सभी लोग इसको यूज़ कर सकते हैं। ये चूसने वाली गोली है, आप एक गोली मुंह में अपने रख सकते हैं और उसको चूसते रहिए जब तक वो ख़त्म ना हो जाए। आपको एक ही गोली से ऐसा अच्छा इफेक्ट देखने को मिलेगा। कई बार क्या होता है, कफ एंड कोल्ड की कंडीशन में हमें बहुत ज़्यादा गले में खराश रहती है, खुजली चलती रहती है, हमें से बोला भी नहीं जाता ठीक तरह से, उस कंडीशन में आप एक एक गोली इसके दिन में 4-5 बार भी चूस लेंगे तो आपको एक गोली लेते ही इसका असर दिखाई देने लगेगा। एक गोली से तुरंत आपकी गले की खराश चली जाएगी, ये मेरा एक्सपीरियंस है। तो आप भी चाहें तो इसको यूज़ कर सकते हैं। आप कौन कौन लोग इसको इस्तेमाल ना करें, जो कि बहुत ज़्यादा पित्त से प्रभावित है, यानी कि जिसके शरीर में बहुत ज़्यादा गर्मी रहती है, जिसका मुंह हमेशा सूखा रहता है, जिसको हाइपर एसिडिटी की प्रॉब्लम है, वो इसको थोड़ा सा कम यूज़ करें, क्योंकि इसमें लौंग डाली है, लौंग की तासीर जो होती है वो बहुत ज़्यादा गर्म होती है। लेकिन ऐसे लोग जो कफ प्रवृत्ति के हैं, कफ प्रवृत्ति के लोग कौन से होते हैं, जिनको रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स होते हैं, जैसे कि खांसी, जुकाम, नज़ला, अस्थमा, ब्रोंकाइटिस, ऐसे जो भी श्वसन तंत्र से संबंधित रोग हैं, उनके जो पेशेंट हैं वो इसको बहुत ही आराम से ले सकते हैं, बिना कुछ सोचे ले सकते हैं। जो लोग विक्स ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, स्ट्रेप्सिल्स खाते हैं, या फिर बार बार गला साफ़ करने की कोई दवाई खाते हैं, वो लोग इसको ले सकते हैं। इसमें मुलेठी भी डाली गई है, इसमें लौंग भी डाली गई है, इसमें कई तरह की जड़ी बूटियाँ डाली गई है, बिल्कुल देसी चीज़ है, कोई इसका साइड इफ़ेक्ट आपको देखने को नहीं मिलेगा। कफ प्रवृत्ति वालों के लिए बहुत ही अच्छी मेडिसिन है, जैसा कि मैंने अपने एक्सपीरियंस में देखा है। मैंने जिन जिन लोगों को रिकमेंड किए सबको ही बहुत अच्छे रिजल्ट मिले हैं। और 80 टैबलेट्स का अगर हम रेट देखें तो सिर्फ 37 रुपीज़ है, यानी कि आपको एक टैबलेट 50 पैसे से भी कम रुपए में मिल जाती है। अब आप इसको सोचिए कि जो बाहर की टैबलेट हैं, विक्स और स्ट्रेप्सिल्स आप खाते हैं या और कोई टैबलेट खाते हैं, वो आपको कितनी महंगी मिलती होगी, और ये आपको कितनी सस्ती मिल रही है। सिर्फ 50 पैसे से भी कम में आपको एक गोली मिल जाती है। इसको लेना कैसे है, आप इसको चूस लें, अपने मुँह में रखें एक गोली जब भी आपके गले में कोई प्रॉब्लम हो, अदरवाइज़ आप इसको गर्म पानी के साथ भी ले सकते हैं, लेकिन मेरी जो रिकमेंड
रिकमेंडेशन है वो यही है कि आप इसको बिना पानी के सिर्फ वैसे ही या तो चू कर लें, चबा लें, या फिर इसको थोड़ी देर चूसते रहें, जिससे कि आपके गले में लगातार ये अपना प्रभाव बनाए रखती है। तो ये थी एक छोटी सी प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन मेरी तरफ से। मैंने सोचा कि अच्छा प्रोडक्ट है तो इसके बारे में आपको जानकारी देनी चाहिए। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिए, और आपका कोई सवाल है या सुझाव है तो कमेंट सेक्शन में मुझसे आप पूछ सकते हैं, मैं उसका आंसर ज़रूर करूँगा। आज की इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलता हूँ किसी और इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।